राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूँ ग्राम दंदुपुर में और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मकान बना रखा है। ये देखो भाइयों, और पूरे गांव में इनकी टक्कर का मकान है दोस्तों। और सामने खड़े हैं इनके ओनर है और मैं परिचय कराऊंगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किसान योद्धा में। नाम जानना चाहूंगा, शुभ नाम जी। नाम क्या बाबा जी? यशवीर। अच्छा, पिताजी का नाम जी? शीशपाल सिंह। तो ये जो मकान है नक्शे से बनाया था या मतलब अंदाजी से? नक्शे से। आइए थोड़ा सा। तो दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। ये देखो कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है। तो सारा कम्प्लीट हो गया अंकल जी? हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कमरे वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखे है। ये देखो भाई, इधर से देखो। और जी की यहाँ पे, अच्छा भैया पत्थर उत्थर नहीं लगाया भैया? पत्थर ऊपर लगा। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों कुत्ता ही पाल रखा तो ठोड़ मार देगा। कौन सी नस्ल है जी? देखो भाइयों, रूट वगैरह कुत्ता है। कहाँ से लिया था ये लड़का? ही लाया। अच्छा अच्छा, ये तो काटता होगा जी। अच्छा अच्छा, देखो भाई रूट वगैरह, क्या नाम है इसका? टोनू। टोनू, बात बात। ये देखो भाइयों, ये बेटा क्या नाम है? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, देखो भाई टेंथ क्लास में पढ़ता है। और अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। चलिए अंकल जी, तो दोस्तों इधर से ये मैं दिखाऊंगा आपको। लाइट वगैरह है? सुन, ये देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है गांव देहात में। देखो भाइयों, और इधर एसी लग रही है और इधर भी एक कमरा है। ये बाथरूम होगा अंकल जी? इधर साइड रसोई है। अच्छा, ये देखो भाइयो, इधर रसोई है। अच्छा भैया, कम्प्लीट ही है जी? कोई कम्प्लीट नहीं हुआ? एक कमरा ये रहा, इसमें लाइट नहीं गई। चलिए एक मिनट को। ये देखो भाइयों, हर कमरे की छत बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखी है। और देखो अलमारी, तो ये बता, जैसे कोई अलमारी वगैरह बनवा है किसान आदमी, तो कितने की बन जाए तकरीबन? पता नहीं है। आया तो 1.5 लाख का खर्चा। तो देखो भाइयों, थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूं, ये क्या चीज है? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखे है। और मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। आज ये थोड़ा सा अंकल जी, तो भाइयों ये देख सकते हैं। ये देखो भाइयों, जिन्ना कितने अच्छे तरीके से बना रखा है। ऊपर देखो भाइयों, ये देखो। तो चलिए ऊपर थोड़ा सा। तो अंकल जी खेती बाड़ी कर रहे हैं कैसे है? अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों इधर से मैं दिखा दूं जिन्ना। देखो कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है। ये देखो भाइयों, और आज मैं ग्राम दंदुपुर में हूँ। और यहाँ तुम बता के रहे हो लाल बहादुर शास्त्री बिरू के इस गांव में, सही बात है? अच्छा, कभी पहले आए होंगे? अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों लाल बहादुर शास्त्री भी मतलब इस गांव में रुके हुए हैं। तो मतलब थार से कभी पहले बाबा बाप दादा के जमाने में जब आए थे। देखो भाइयों, दंदोपुर लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे रुके थे। और ये देखो भाई कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा गांव के हाथ में मकान। और आज मैं अपने क्षेत्र में हूँ। ये देखो भाई, तो ये जिन्ना भी नक्शे से बनवाया था। ये देखो भाई, ये माँ है। राम राम सा, और ठीक हो माँ? बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा। और इधर से मैं दिखा दूँ, ये देखो माँ कौन से गाँव की? फपुंडा की। तो कौन से कुत्ती हो माँ? बसट्टो में। तो माँ ठीक रह करो वैसे? हाँ। देखो भाइयों, ये रसोई है, ये माँ की रसोई है। देखो कितने चित्र से बनवा रखी। ये देखो, तो कंप्लीट हो गया वैसे सारा? हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों इधर खाट वगैरह, तो खाट वगैरह अंकल जी बुन रखी है मोल बुली दी है? अच्छा, जैसे खाट वगैरह ले किसान आदमी कितने की पड़ जाएगी? 3500 का जोड़ा होता दिखा शायद मेरे हिसाब से। और माँ? 6000 का ही जोड़ा है भैया। अच्छा अच्छा, पाँच का लाया। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा अच्छा, 5800 का जोड़ा। अच्छा अच्छा, 5800 का जोड़ा। देखो भाइयों, बुनाई देख लो खाट में जो की बहुत अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूं, एक कमरा इधर साइड भी है। देखो भाइयो, ये देखो भाइयों, हर कमरे की छत अलग ही है बिल्कुल। ये देखो भाइयों, तो भैया कहाँ रह रहे? मथुरा है। ये क्या जी, बंदूक? अच्छा, सौगिन्नी के लिए है। ये देखो भाई हो, वैसी है बिल्कुल सौगिन्नी। तो किस चीज में है जी भैया? दरोगा है। अच्छा, दरोगा है। ये देखो भाई, दरोगा पोस्टिंग पे भैया है। ये देखो भाई, भैया का क्या नाम है जी? रोहित। कितने लड़के आपके? मेरा एक लड़का। अच्छा, वे भैया उसमें है दरोगा में। अच्छा, आप खेती बाड़ी संभालते हैं?
अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों किसान आदमी है, और थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूं। ये देखो भाइयों इधर ये होगी बालकनी साइड, इधर ये क्या चीज है? ये वो है। अच्छा अच्छा इधर से मैं दिखा दूं, ये स्टोर है थोड़ा सा। अच्छा लोकड़ा है इधर, लोकड़ जाम हो गया। ये देखो भाइयों ये स्टोर रूम बना रखा है। ये देखो तो माँ जैसे अलमारी वगैरह बनवा रखी है, तो किसान आदमी अपने घर में बनवाए तो कितने की बन जाए? जैसे अलमारी वगैरह नीचे बन रही थी तो दो एक डेढ़ लाख में तो बन जाती होगी अलमारी। अच्छा तो देखो भाई डेढ़ एक लाख में खर्चा आ जाता है। और ये देखो आज मैं दंदोपुर गांव में हूँ और आज मैं माँ के यहाँ पे हूँ। ये देखो भाइयों अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा थोड़ा सा, किस तरह से गेट है इधर से ये ना। ये देखो भाइयों अब चलते हैं ऊपर, और ये देखो भाई यहाँ से पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ये देखो तो ऐसे तो पूरा घर गांव चमक जाता हुआ है। तो मुझे लगा इसके जैसा मकान तो पूरे गांव में भी नहीं होगा जी है। ये देखो भाइयों अंकल जी बता रहे हैं कि इसकी टक्कर का मकान नहीं है, और मैं आपको ऊपर से इसकी छत दिखा दूं। ये देखो भाइयों ये है अक्षय का घर इधर साइड में। ये देखो मां ये बुआजी हमारी, बुआजी राम राम। ये देखो भाइयों ये बुआजी है, बुआजी राम राम। ये देखो भाइयों इधर से पूरा का पूरा गांव कवरेज कर सकते हैं। ये देखो भाइयों उधर अक्षय है। ये देखो भाई बहुत ही अच्छा है, घर वगैरह बने हुए हैं गांव दंदूपुर में। और ये देखो भाइयों आज मैं ग्राम दंदूपुर में हूँ, तो देख सकते दोस्तों उधर साइड में इनके परिवार वालों के घर है। ये देखो भाइयों तो बहुत ही अच्छे तरीके से गांव देहात में मकान बना रखा है। बताओ जैसे कोई आदमी गांव देहात में जैसे ये मकान बना हुआ है, तो आपने मतलब जब बनाया था तो दिमाग से बनवाया था या मतलब नक्शा उक्शा भी लिया था कुछ इसका? नक्शा लिया था। अच्छा नक्शा कहाँ का नक्शा आयो? लड़का ही लाया था बनवा। अच्छा अच्छा देखो भाइयों इधर ये देखो कितने अच्छे तरीके से दिवाली आ रही है, तो लड़ी लगा रहे हो आप? ये देखो भाई लड़ी लगाई जा रही है, तो रात को तो बिल्कुल जगमग हो जाएगा फिर यो है। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों पूरे गांव दंदूपुर में इसकी टक्कर नहीं लग रहा, जो मेरे मकान सबके छोटे छोटे से चमक रहे हैं। ये देखो भाइयों इधर साइड में ये बिल्कुल परिवार के ही थारे ये। अच्छा अच्छा देखो भाइयों गांव दंदूपुर है, और ये देखो भाई इधर से देखो। तो आज मेरे गांव दंदूपुर में आया था, मुझे काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, राम राम।